सो हेलो एवरीवन, ये है इन्फो बीन्स टैग के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो देखते हैं यहाँ पर आगे इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस शेयर के टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम जो जनरेट हुई थी ईयरली बेसिस में वो 5,961 लाख थी, जो अब डिक्रीज़ होकर यहाँ पर 5,741 लाख यहाँ पर हो गई है। आगे हम इस शेयर के जो है टोटल एक्सपेंसिस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस में एक्सपेंस 4,917 लाख थे, जो इंक्रीज होके 5,097 लाख हो गए हैं। यानी कि इनकम घटी है लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शेयर का ईयरली बेसिस में 878 लाख था, जो अब यहाँ पे डिक्रीज होके 415 लाख हो गया है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर की भी बात करेंगे। अर्निंग पर शेयर जो है ईयरली बेसिस में 3.67 रुपये था, जो अब डिक्रीज होके 1.91 रुपये हो गया है। तो ओवरऑल तो जो शेयर के रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अच्छे नहीं आए हैं। आगे हम इस शेयर के जो है करंट प्राइस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 464.65 इस शेयर का करंट प्राइस है। 5% तक के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हो सकता है शेयर के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर शेयर में असर देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल के लिए अगर अभी आपके पास ये शेयर है तो आप इस शेयर को यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। 2 वीक्स तक के अराउंड आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, और फिर चाहे तो इस शेयर को यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं।